Very good morning, students. I hope you and your family are safe at home, and students, you are enjoying online learning classes, which has been shared by your favorite teachers. And this is a very good time to learn all the things by yourself as well as. So we are continuing our syllabus through this videos. So this is not only the syllabus we are covering. We are trying to covering your all other activities as well as. Like your reading part, because it will help you or it will initiate you to learn the things, learn the hard words which you are not using in your daily life. So I hope you are going through all the things. So today we are going to start our chapter number 10, Shift Wreckage. As we have already discussed about this chapter which we have done in the physical classroom. Today we are covering the page number 64 from your English book. But before starting this chapter, you should know the little things that who has been written and what is about this chapter it is. So this is just a novel, Robin Crusoe. एक रॉबिन क्रूसो के नाम की एक नोवेल है जो कि डेनियल डिफॉय, यहाँ पर यू कैन आल्सो सी द नेम डेनियल डिफॉय हैज बीन रिटन दिस नोवेल अबाउट 300 इयर्स अगो। इसमें उन्होंने एक लड़के के बारे में बात की है, यंग लड़के के बारे में बात करी है हु लव्स द सी। यहाँ पर जो आप ये जो चैप्टर देख रहे हो ये एक स्मॉल एक्चुअली एक छोटा सा एक हिस्सा है, उसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि एक नोवेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। दैट फ्रॉम वेयर फ्रॉम ही स्टार्टेड, वेयर फ्रॉम ही स्टार्टेड एवरीथिंग। तो यहाँ पर जो एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था व्हेन ही वाज इन सी, व्हेन रॉबिन्सन वाज इन द सी, वहाँ पर जो उसके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था और किस तरीके से उसने अपने माइंड को बिल्कुल शांत रख के, ठीक है, अपना प्रेजेंस माइंड को, मतलब माइंड को जो है बिल्कुल काम रख के अपना अपने आप को इतने बड़े आप ये कह सकते हैं कि मुसीबत से बचाया था। तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। सो ओपन योर बुक्स एंड टेक अ पेंसिल एंड अंडरलाइन द हार्ड वर्ड्स। ओके, सो देन फॉर लॉर्ड रॉबिन्सन अ नोवेल अबाउट 300 इयर्स अगो। इट इज अ स्टोरी ऑफ अ यंग मैन हु रैन अवे टू सी एंड वाज शिप्ड रैक। द मैसेज टेल्स यू हाउ ही सर्वाइव्ड द शिपरैक एंड लैंडेड ऑन अ साउथ सी आइलैंड। जैसे कि मैंने आपको बताया एक यंग मैन की कहानी है जो कि समुद्रों की तरफ भाग गया था क्योंकि उसको समुद्र बहुत ज़्यादा पसंद थे, और जब वो समुद्र यानी शिप के अंदर था कैसे उसकी शिप जो है वो डूब गई थी, बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो हम इस मैसेज के अंदर ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से उसने अपने आप को जो है उस शिप रैक से बचा के अपने आप को साउथ सी का जो आइलैंड था वहाँ पर कैसे वो सिक्योरिटी के साथ पहुँचा। It was an evil hour when I boarded the ship on 1st September 1659. We had a good weather till we came to Cape St. Augustine when a boiling storm followed by another more terrifying tornado and hurricane take us by surprise. We knocked about for 12 days far off our course when suddenly the ship struck upon a sand and in a moment it stopped moving. मतलब यहाँ पर आई जो है इसको रिप्रेजेंट किया गया है रॉबिन्सन क्रूसोए को, क्योंकि रॉबिन्सन क्रूसोए नहीं मतलब वो बहुत ही ईविल, मतलब कि बहुत ही खतरनाक, यानी कि आप बोल सकते हो कि शैतान या भयानक वो एक अड्डा बोला जाएगा जहाँ मतलब रॉबिन्सन क्रूसोए ने जो है 1st September 1659 को शिप को बोर्ड कर दिया, यानी कि शिप में वो चढ़े गए या फिर शिप को आगे लेकर गए। वी यहाँ पर आपको पता है कि वी जो है जब हम एक से ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ करते हैं तब वहाँ पर वी यूज़ किया जाता है। तो वी वहाँ पर कितने लोग थे टोटल उनके साथ, 11 लोग थे, ठीक है। तो जब हम मतलब हमने स्टार्ट करा था तब मौसम बिल्कुल सही था। तो केप जब वो कहाँ पर पहुँच गए थे, सेंट अगस्टाइन में पहुँच गए थे, लेकिन तभी एक बहुत ही वर्ल्ड यानी कि गुस्से वाला खतरनाक स्ट्रॉन्ग यानी तूफान उनको फॉलो करता हुआ, ठीक है, उस स्ट्रॉन्ग को जो है फॉलो किसने करा,
टोर्नाडो और हुरिकेन। टोर्नाडो क्या होता है कि जब कोई बहुत ही खतरनाक आगे कहते हैं ना, टोर्नाडो बनकर आ जाता है। हुरिकेन यानी कि बिल्कुल पानी में ना तूफान मच गया था, इतना ज्यादा भयंकर तूफान आया था उसके अंदर। वी नो अबाउट मतलब कि जो उनका इस जगह पर पहुंचने का जो उन्होंने टाइम डिसाइड करा था वो 12 डेज का था, और वो उससे जो है स्टॉर्म के कारण कितने दिन पीछे हो गए थे, 12 दिन पीछे हो गए थे। और तभी क्या होता है, तभी अचानक से जो बोट थी, जो शिप थी, स्ट्रक का क्या मतलब होता है, रुक जाना, कहीं पर अटक जाना। अपोलो सैंड मतलब कि कहाँ पर अटक गई थी, वो सैंड के अंदर यानी मिट्टी के अंदर जो है वो रुक गई थी, अटक गई थी। एंड इन अ मोमेंट इट स्टॉप हो गई, और उसी मोमेंट पे यानी कि उसी टाइम पे क्या हुआ था कि उसने मूव करना बंद कर दिया। देखो यहाँ पर मूविंग, हमने एक चैप्टर करा था जैवलिन, हमने एक चैप्टर करा था मूविंग, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी बर्फ की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया जाता है, ठीक है, और उसको आप एज अ सब्जेक्ट या फिर एज अ ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं सेंटेंस के अंदर, जो कि आप कॉम्प्लीमेंट बताते हो कि एक वर्ब का कॉम्प्लीमेंट क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या फिर सब्जेक्ट, तब उसको जैवलिन बोला जाता है। तो यहाँ पर बताया कि इट स्टॉप मूविंग, यहाँ पर मूविंग किसने बंद कर दिया था, इट यानी शिप ने। तो यहाँ पर ही बताया था कि उस टाइम जो है उसने बुक करना बंद कर दिया था, स्टॉप ने यहाँ पर स्टॉप की। सेकेंड पार्ट, इट स्टार्ट सिंकिंग फास्ट, मतलब कि वो जो है बहुत ज्यादा सिंकिंग, सिंकिंग का मतलब होता है डूबना। यहाँ पर स्टार्टेड सिंकिंग, फिर से जो है एक जैवलिन फॉर्म यूज की गई है, बहुत जल्दी से वो डूबने लग गई थी। और हमारे पास यानी कि जितने भी वो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था या तो उस बोट को फ्री करने के अलावा, और वो कितने लोग और जितने भी 11 के 11 लोग थे उन्होंने कहाँ पर उस पानी के अंदर यानी समुद्र के अंदर अपने आप को वहां पर वो कूद गए। द रेजिंग वेव, रेजिंग का मतलब होता है बहुत एंग्री, यहाँ पर जो बढ़ती हुई यानी कि ऊंची ऊंची जो वेव थी उसमें वो कूद गए थे। होपिंग फॉर गॉड्स मर्सी, मतलब कि भगवान की, हमें भगवान की मर्सी यानी कि उनकी दया का ही वेट कर रहे थे कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि हम उसको खान से बच जाए। मर्सी का मतलब होता है कि दया करना। ओके, एंड ऑफ द वाइट सी वी हैस्टेड टुवर्ड्स अ डिस्ट्रक्शन बाय पुलिंग एज वेल एज वी कुड। हैस्टेड का मतलब होता है कि फास्टिंग, हम जो है अपने डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है बिल्कुल खत्म हो जाना, हम अपना जो है एंड पर जो है पहुंचते जा रहे थे कि हमारा खुद का काम जो है तमाम यानी कि खत्म होता जा रहा था। मतलब कि वो तो इतना समुद्र जो वाइट सी था, जो खतरनाक समुद्र बन चुका था, वो हमें जो है बार बार जो है अपनी तरफ लेता जा रहा था ताकि हम बिल्कुल ही क्या हो जाए, खत्म ही हो जाए। As we could, as we rode a raging wave, mountain like came rolling with such a fury and the boat overturned. We were swallowed up in a moment. अभी यहाँ पर क्या हुआ कि हम क्या, हम जो अपने आप को खींचने की कोशिश कर रहे थे कि हम उस वेव से बाहर निकल जाए, लेकिन वो वेव क्या हो रही थी, उनको बार बार हम अपनी तरफ खींच जा रही थी, मतलब बिल्कुल माउंटेन बनकर उनके सामने आती जा रही थी, माउंटेन बनकर उनके सामने आती जा रही थी। एंड हमें जो था उसमें रोल यानी कि इतना ज्यादा रोल कर रही थी अपने आप को, ठीक है, कि हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम करें क्या वहां पर। बिकॉज आप जब भी किसी मुसीबत में हो या फिर आपको ये लगता है कि आपके सामने इतनी बड़ी मुसीबत हो गई है, तो यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट हाउ टू इंडल्ज, उससे बचा कैसे जाए। हम क्या सोचते हैं कि अभी हम खत्म है, हम इस टाइम पर क्या है कुछ भी नहीं कर सकते, मुझे लाइक वेरी अभी कह सकती हूँ डेंजर थी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ आपको नहीं मार सकती है, लेकिन आपका जो डर होता है, ठीक है, आप जब मुसीबत के टाइम पे हमारा दिमाग चलना बंद हो जाता है, वो हमें कई बार जो है मुसीबत में फंसा देता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ हुई, वी वर स्वॉलोड अप इन अ मोमेंट, स्वॉलो करने से निकल जाना, और उसी मोमेंट में हम जो है बिल्कुल बोट के ओवर टर्न होने के कारण यानी कि बिल्कुल पलटने के कारण वो सब क्या हो गया, ओवर मतलब कि सब के सब जो है बह गए, कहीं सब बिखर गए। नथिंग कैन डिस्क्राइब द कंफ्यूजन ऑफ थॉट व्हिच आई फेल्ट व्हेन आई संक इनटू द वाटर, फॉर दो आई स्वम वेरी वेल, yet I could not deliver myself for the waves, so as to drew breath, till that wave having driven me, or rather carried me, a fast wave on towards the shore and having spent itself went back and left me upon the land almost dry, but half dead in water I took it. मतलब उस टाइम जो
मतलब यहाँ पर रॉबर्ट सिंह कह रहे हैं कि उस टाइम जो मेरे अंदर इतनी ज्यादा कंफ्यूजन चल रही थी, इतनी ज्यादा मुझे समझ नहीं आ रहा था कि व्हाट शुड आई हैव टू डू दैट मोमेंट। वैसे तो कह रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छा तैरना आता है, बट उस टाइम जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो माइंड है वो चलना बंद कर जाता है क्योंकि हम मुसीबत में नहीं समझ आता है, बट वी आर गोइंग टू डू। तो वही चीज उनके साथ हो रही थी, वो पानी के साथ जो है बहते जा रहे थे, वो उसको आगे लेके जा रही थी, ठीक है, बह बह कर वो आगे जा रहे थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करना चाहिए। टुवर्ड्स द शोर, शोर मतलब होता है किनारा, एज की तरफ वो जाते जा रहे थे, वहां से वो वापस भी आ रहे थे, उनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी। हाँ बट मतलब वो अपने आप जो है एक तरीके से कई बार था कि वो बिल्कुल ऑलमोस्ट ड्राई होकर जा रहे थे, फिर वो दोबारा पानी में आ रहे थे। बहुत उस टाइम था क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप लोग बड़े स्ट्रॉन्ग में इतने बड़े तूफान में फंसे हुए तो इतना भयंकर तूफान बोले कि ना लगा है पानी के अंदर, तो और जो रेजिंग वेव यानी कि माउंटेन्स की तरह फेस करती जा रही थी, तो आपको यही समझ आ रहा था दैट वॉज अ वेरी लाइक कॉन्फिडेंट ही वॉज दैट टाइम प्रोपोजल कि ही वॉज नॉट डेड बट ही वॉज हाफ डेड क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा पानी जा चुका था। I had so much presence of mind as well as reach them. Then seeing myself nearer the mainland, then I got upon my feet and poured to me on the most the land as fast as I could, but before another wave should return and take me up again. But as I soon found it was impossible to hold. मतलब उस टाइम भी रॉबिन्सन की इतनी ज्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड थी कि उन्होंने उस चीज से हार नहीं मानी, उन्होंने ये नहीं सोचा कि आई शुड हैव टू गिव अप कि मतलब मैं तो इनसे बच ही नहीं सकता हूँ, मुझे खत्म, मतलब ये मुझे मार देंगे। फिर भी उन्होंने अपने आप के अंदर सांस भर के रखी, उन्होंने अपने आप को बचा के रखा कि नहीं आई हैव टू गो थ्रू विद दैट, मुझे इनसे बचना ही है एट एनी कॉस्ट। उन्होंने अपने आप को जो है सोचा कि उन्होंने वहाँ पे वो मेनलैंड को देख पा रहे थे, लेकिन क्या होता कि इतनी ज्यादा भयंकर तूफान और लहरों के कारण ना वो अपने आप को वहां पर पहुंचा नहीं पा रहे थे, बट फिर भी उन्होंने कोशिश करा अपने आप के अंदर एंडेवर, अपने आप को एक्साइटेड इनकरेज करा, अपने आप के अंदर जोश भरा कि नहीं आई विल डू दैट, मुझे वहां पर पहुंचना है कैसे ही कैसे। उन्होंने कोशिश तो करी, लेकिन जैसे ही वो कोशिश करने लगे क्या होता है वहां पर कि फिर से जो वेव थी वो क्या है वहां पर आ गई, यानी आगे से गई कि वहां पर तो फिर से वो, क्योंकि लास्ट टाइम जो तूफान का जो फेज चल रहा था, ठीक है, वो क्यों वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो रुकने का नाम ले ही नहीं रहा था। फिर से जैसे ही बचने की कोशिश करे उस टाइम पता चल गया कि तूफान जो है दोबारा आ गया, लहर दोबारा आ चुकी है, इसीलिए उनको पता है अभी इसको अवॉइड करना खतरे से खाली नहीं है। तो अभी हमने एक ही पेज नंबर 64 ही मतलब कवर अप करा है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर एंड विल एंड द स्टोरी विद अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट कि नेक्स्ट वो किस तरीके से जो लहरों के बीच में वो फंसे हुए था रॉबिन्सन कैसे अपने आप को जो है उस तूफान से बाहर निकालता है और कैसे अपने आप को कोशिश करता है कि वो बचकर एक साउथ सी आइलैंड पे पहुंच जाए, क्योंकि आपको भी पता है कि इतने बड़े तूफान में कोई भी अगर कोई भी छोटी सी मुसीबत आती है तो ऐसा नहीं होगा, बच ही नहीं पाता। लेकिन हम यही देखेंगे कि उनके प्रेजेंस ऑफ माइंड ने कैसे उनकी हेल्प करी। टिल देन आपको क्या करना है, वीडियो को अच्छे से वॉच करना है, देखना है, और आपको 5 क्वेश्चन जो है अपनी नोटबुक में करने हैं। And thank you so much and have a great day.